धन्यवाद सुंदर साथ जी। हमारे देश में रविदास जयंती, कबीर जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती आदि का पर्व बहुत उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इसकी देखा देखी हमारे समाज ने भी प्राणनाथ जयंती का पर्व मनाना प्रारंभ कर दिया। वास्तविकता यह है कि हम सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते। किसी ने यह नहीं सोचा कि जयंती का अर्थ क्या होता है। संस्कृत में जन धातु होती है जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति करना, प्रादुर्भाव करना या जन्म देना। गीता में एक श्लोक आता है, न जायते मृति वा विपश्चित। यहां जायते शब्द है। जायते का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, जन्म देना या प्रादुर्भाव करना। लेकिन जयंती का अर्थ क्या होता है? इसमें तो जय शब्द से संबोधन है। जैसे विजय, जयंती का मुख्य अर्थ होता है विजय दिवस। प्रश्न यह है कि प्राणनाथ जयंती हम किस उपलक्ष्य में मना रहे हैं? प्रथम जाम और वार रवि प्रकटे धनी श्री धाम। इस तिथि को श्री मेहराज के तन का जन्म होता है जिसमें इंद्रावती जी की आत्मा प्रवेश करती है और उनके धाम हृदय में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म विराजमान होकर के लीला करते हैं। इसलिए हम साहित्यिक दृष्टि से कह सकते हैं कि आज के दिन श्री प्राणनाथ जी ने उस जिस तन में विराजमान होकर लीला की है उस तन का जन्मदिन है। वस्तुतः इसको हम प्राकट दिवस के रूप से मनाएं तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि प्रकटे धनी श्री धाम यहां जयंती शब्द नहीं है। जयंती का अर्थ ही हो, जैसे कि मैंने कहा, ये संस्कृत में इसका रूप चलता है जयतु जयतु शब्द से, या जयतु जयता जयंतु। विजय होना अलग है, किसी की जयकारा बुलाएं तो हम जय शब्द कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चिदानंद परब्रह्म है वह जय और पराजय सबसे परे है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसकी पराजय कभी हो नहीं सकती। और जय इसलिए की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो तो सर्व उत्पादक है, सबका स्वामी है, अनंत प्राणियों का स्वामी है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है। उसका किसी से संघर्ष होता ही नहीं, न किसी से उसके पराजय की कल्पना की जा सकती है कि वह जय मनाने की बात हो। महापुरुषों की जयंती मनाने का प्रचलन चलता रहा है, लेकिन यह भी उचित नहीं है। जहां तक किसी महापुरुष की जन्मतिथि मनाई जाती है तो उसके लिए जयंती शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते, वो तो जन्मदिन है। जन्मदिन और जयंती दोनों में अंतर होता है। स्वर्ण जयंती मनाई जाती है, हीरक जयंती मनाई जाती है। इसका अर्थ क्या है? ये शोभा के रूप में, विजय के उल्लास के पर्व में ये तिथियां मनाई जाती हैं, किंतु हम प्राणनाथ जी के प्राकट्य दिवस को जयंती, प्राणनाथ जयंती शब्द से संबोधित नहीं कर सकते। सत्य तो यह है कि हमने प्राणनाथ जी के स्वरूप को समझने का प्रयास ही नहीं किया है। श्रृंगार की वाणी कहती है, तुम ही उतर आय अर्श से, तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हुआ। जो अर्श में हुआ परम धाम में हे परब्रह्म, आप नूरमयी स्वरूप से विराजमान है और इस संसार में महामती जी के धाम हृदय में आप अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। इन सुपन देह मापक हके दिल में किया प्रवेश। यदि हम इस तथ्य को जान जाएं तो हम श्री प्राणनाथ जी को संसार के महापुरुषों के समकक्ष घटाने का प्रयास नहीं कर सकते। आप रविदास जी का जन्मदिन मनाइए, महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाइए, छत्रपति शिवाजी का जन्मदिन मनाइए, अच्छी बात है, लेकिन आप प्राणनाथ जी का जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? जयंती शब्द भी उचित, मैंने पहले ही कहा कि जयंती शब्द भी उचित नहीं है। किसी भी महापुरुष की जयंती मनाना, हाँ यदि उसने कोई विशेष कार्य किया है विजय दिवस के रूप में, जैसे
प्राचीन काल में शक, हूण आदि मध्य एशिया की विदेशी जातियाँ थीं जो भारत में आकर लूटपाट किया करती थी और यहाँ राजसत्ता भी उन्होंने स्थापित कर ली थी। विक्रमादित्य को सकार कहा जाता है कि उन्होंने शकों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इसी प्रकार कुमारगुप्त को हूणों को पराजित करके भारत से बाहर निष्कासित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। विक्रमादित्य ने जो शकों को भारत से बहिष्कृत किया उस विजय श्री के उपलक्ष्य में शक सम्मत प्रचलित हुआ है। एक तरह से एक विजय पर्व था, विजय दिवस था, जिसमें शकों को भारत से बाहर भागना पड़ा था। ऐसी तिथियों को विजय दिवस के रूप में, जयंती पर्व के रूप में हम मना सकते हैं, किंतु जन्मदिन को जयंती कहना साहित्य की दृष्टि से पूर्णतया अनुचित है। किसी की छोटी सी भूल बहुत बड़े भटकाव को जन्म देती है। जयंती शब्द में और जायती शब्द में बहुत अंतर होता है। उत्पन्न होने के दिन को, जन्म लेने के दिन को प्रादुर्भाव दिवस कहते हैं, जन्मदिन कहते हैं, जन्मतिथि कहते हैं, जयंती नहीं कह सकते हैं। किंतु एक जो भूल करता है सारा समाज उसका अनुसरण कर लेता है। जैसे हजारों साल पहले नहीं कह सकते, कुछ सौ वर्ष पहले जब से वैष्णव पंथ चला है, भूलवश किसी ने श्री रामा शरणम मम और श्री कृष्ण शरणम मम का मंत्र बना दिया। इसका अर्थ क्या होता है? श्री राम मेरी शरण में है या श्री कृष्ण मेरी शरण में है, दूसरा अर्थ ही नहीं होगा। बनाने वाले को ये सोचना चाहिए कि अहम श्री राम शरणागतो हम, श्री कृष्ण शरणागतो हम, मैं श्री कृष्ण की शरण में हूँ, श्री राम की शरण में हूँ। श्री राम शरणम मम का अर्थ होता है कि मेरी शरण में श्री राम है या मेरी शरण में श्री कृष्ण है। हमारे समाज के एक धामवासी वैवृत विद्वान थे, उन्होंने भी उनकी नकल करके एक लेख में लिख दिया श्री राजा शरणम मम, क्योंकि एक ने जो गलती की, एक आचार्य ने गलती की, उसके देखे देखे हमने गलतियों को दोहराना अपना कर्तव्य मान रखा है। आप समझिए, रविदास जी के समकक्ष हम रखते हैं प्राणनाथ जी को, शिवाजी के समकक्ष रखते हैं, राणा प्रताप के समकक्ष रखते हैं, ये तो महापुरुष हैं, कबीर जी महापुरुष हैं, उनके समकक्ष हम अक्षरातीत को कैसे रख सकते हैं? उनकी जयंतियां मनाई जा रही है तो हम भी जयंती शब्द का प्रयोग कर देते हैं। प्रथम जाम और वार रवि प्रकटे धनी श्री धाम, श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन हुआ है, अक्षरातीत का आवेश प्रकट हुआ है, महामती जी के धाम हृदय में लीला किया है। आज उस तन के इस संसार में उद्भव होने का शुभ समय है, इसलिए उस शुभ घड़ी को हम याद कर रहे हैं जिसमें वो दिव्य तन जन्मा, जिसमें परम धाम की इंद्रावती आत्मा ने प्रवेश किया और अक्षरातीत ने उस तन से लीला की। यहां तक ठीक है, किंतु यदि हम रविदास जयंती, कबीर जयंती की तरह, परशुराम जयंती की तरह प्राणनाथ जयंती भी मना लें तो हमने तो प्राणनाथ जी को संसार के महापुरुषों के समकक्ष घोषित कर दिया। कितना दुखद है कि हम ट्रस्टियों की कृपा से किसी स्थान के गादीपति बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, तो हम अपनी आचार्य परंपरा में प्राणनाथ जी का भी नाम लिख देते हैं। 18,758 चौपाइयों में या बीतक की 4,644 चौपाइयों में कहाँ लिखा है कि देवचंद जी और प्राणनाथ जी आचार्य थे? कहीं भी आचार्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन हम उनको आचार्य बनाने पर तुले हुए हैं और ट्रस्टियों की कृपा से हम आचार्य कहलाकर स्वयं को उनके समकक्ष भी बनना प्रारंभ कर देते हैं। हम संसार को प्राणनाथ जी की क्या पहचान देंगे? हमें एक बहाना मिल जाता है कि संसार के लोगों को तो नहीं पता, उनको उसी नाम से परिभाषित करना पड़ेगा। तो प्रश्न यह है कि आप 1 करोड़ का हीरा ले जाकर जहाँ शीशे की मार्केट लगी हो, शीशा बिकता हो, शीशे की मार्केट में आप जाकर क्या उसको शीशा कहकर ही बेचेंगे? यदि आप हीरे के अनमोल टुकड़े को शीशे के भाव बेचते हैं तो इसमें कौन सा आपका विवेक कार्य कर रहा है? दूर छोड़िए, मुसलमानों को तो कट्टर कहा जाता है, लेकिन इन मुस्लिमों की एक परब्रह्म पर तो आस्था है,
वो ये मानने को तैयार हैं। कुरान की एक आयत का भाव यह है कि क्यामत के दिन तुम अल्लाह का दीदार करोगे, और इससे मिलती हुई चौपाई आती है कया खुदा मितावसी फरदा रोज क्यामत। मुसलमान मानने को तैयार हैं कि इमाम मोहम्मद महदी के रूप में स्वयं अल्लाह ताला आएगा, परब्रह्म आएगा, लेकिन हम हिंदू कहलाते हैं, हम कहलाते हैं कि हम विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप को मानते हैं, लेकिन उनको आचार्यों की श्रेणी में किस आधार पर खड़ा करते हैं? पाणी कहती है कि प्राणनाथ जी के बराबर न कोई हुआ है न होगा, तारीफ मोहम्मद मेहदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुए कई हो सी पर किन ब्रह्मांडो न है। किसी भी ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर न कोई हुआ है न कभी होने वाला है। और मुसलमान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इमाम महदी के समकक्ष वो किसी को भी नहीं ठहरा सकते। आप सोचिए हम किस आधार पर कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम हिंदू हैं, हमारे जैसा कोई नहीं। हम तो श्री प्राणनाथ जी को आचार्य कहते हैं। आचार्य हो, गादीपति हो, महंत हो, आखिर किसकी कृपा दृष्टि से कोई बनता है? ट्रस्टियों की कृपा दृष्टि से। किंतु प्राणनाथ तो किसी की कृपा दृष्टि से नहीं है, वो तो सब पर कृपा के सागर बरसाने के लिए आए हैं। सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, अक्षर के भी प्रियतम है, और ऐसे सच्चिदानंद परब्रह्म को जिसके लिए वाणी कहती आवसी आवसी रे, सब कोई कहते आगमी करती पुकार, सो सत वाणी सबों की करी अब आई करो रिश्तेदार। जो स्वयं सच्चिदानंद प्रकट हुआ है, वाणी कहती प्रकटी पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आई करो दीदार, और आप उनको गर्व से आचार्य कहते हैं, महापुरुषों की पंक्ति में खड़ा करते हैं कि जैसे परशुराम जयंती है, रविदास जयंती है, कबीर जयंती है, महाराणा प्रताप जयंती है, हम प्राणनाथ जयंती मनाएंगे। जयंती मनाने के बाद आप धामगमन मनाते हैं कि आज प्राणनाथ जी का धामगमन हो गया, पूछेंगे कैसे हो गया, तो शरीर छोड़ दिए। तो प्रश्न ये है कि जो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया वो जागने कैसे कर रहे हैं? वाणी तो कहती है कि खेलसी रासमिल जागनी 36,000 संयत। अभी 36,000 की जागनी तो उस समय तो हुई नहीं थी, तो क्या प्राणनाथ जी परमधाम चले गए? और कुछ विद्वान कहने भी लगे हैं कि परमधाम की आत्माओं को लेकर के, कुछ आत्माओं को लेकर प्राणनाथ जी परमधाम चले गए, तो अब जागनी कौन कर रहा है? तो तरह तरह के बहाने खोज लेते हैं, चौपाइयों का उल्टा पुल्टा अर्थ करके ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि कुछ के साथ लेकर के परमधाम चल गए और कुछ बाकी हैं। कुछ तो ये भी मानते हैं कि सभी ब्रह्म सृष्टि उस समय चली गई, तो छत्रसाल जी क्या ब्रह्म सृष्टि नहीं थे? छत्रसाल जी को छोड़कर क्यों चले गए? लालदास जी भी थे, मुकुंददास जी भी थे, ये सारी ब्रह्म ये तो ब्रह्म सृष्टियां थी, ये क्यों रह गई? इसलिए आवश्यकता है कि हम श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को समझे, उन्हें हम न तो आचार्य बनाए, न कवि बनाए, न गुरु बनाए, न महापुरुष बनाए। जो जिस रूप में है उसी रूप में हम उनको प्रस्तुत करें। हम अपनी महिमा बढ़ाने के लिए आचार्यों की गिनती में यदि हम देवचंद जी और प्राणनाथ जी को रखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराध करते हैं। ठीक है, परमधाम के स्वलीला अद्वैत के सिद्धांत से हम परमधाम में उनके ही अंगरूप हैं, उनके ही स्वरूप हैं, लेकिन इस संसार में तो हम उनकी महिमा को कम ना करें। हमारे तन से जो भी जागने लीला होगी वो एक सीमित दायरे में होगी, लेकिन प्राणनाथ जी के स्वरूप में तो परमधाम की वाणी अवतरित हुई है। नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेक तुम्हारे लियो, अक्षरातीत का नाम, अक्षरातीत की शोभा, अक्षरातीत का श्रृंगार, सब कुछ महामती को मिला, उन्हें प्राणनाथ के रूप में सबने जाना। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम प्राणनाथ जी का प्राकट्य दिवस मनाएं, जयंती न मनाएं, क्योंकि जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है, अक्षरातीत की कभी जयंती नहीं मनाई जा सकती। अक्षरातीत का जन्म नहीं होता, और जयंती तो विजय पर्व के रूप में मनाई जाती है, लेकिन कोई महान कार्य हुआ होता है, विजय के उल्लास में ये तिथियां बनाई जाती है, जैसे हीरक जयंती है, स्वर्ण जयंती है, उसी तरह से हम महापुरुषों की जयंतियां मना सकते हैं, किंतु श्री प्राणनाथ जी की जयंती नहीं मना सकते। प्राणनाथ उस अक्षरातीत को कहते हैं जो सभी आत्माओं का प्रीतम है, और वह अक्षरातीत जो कहते हैं कि
मैं इस नश्वर जगत में सबकी आत्मा को जगाने के लिए आया हूँ। तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढ़नो अपनो साथ, माया मीने आई सृष्टि ब्रह्म सो बुलावन आया है। ऐसे अक्षराती श्री प्राणनाथ जी को हम एक मानव के समान मानकर, महापुरुष के सदस्य मानकर उसकी जयंती मनाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल है। सुंदर साथ को समझना होगा, एक ही शब्द का यदि विकृत अर्थ किया जाता है तो उसे भाव बदल जाता है। अब देखिए, शब्द तो एक ही होता है, अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। एक कहावत कही जाती है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अर्थ खाए, या खाए बौराजक या पाए बौराग। एक ही कनक शब्द है इसका अर्थ धतूरा है, एक ही कनक शब्द है उसका अर्थ जो है सोना है। किंतु यहां तो जयंती शब्द है, जयंती का अर्थ विजय से है, विजय पर्व से है। जयंती का अर्थ जन्मदिन से नहीं है। जनत शब्द मैंने पहले ही कहा जन धातु है और इससे जायते शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होता है। जनयति शब्द होता है, जायते जनयत जायते आदि शब्दों की उत्पत्ति हुआ करती है संस्कृत में। तो सुंदर साथ को ये चाहिए कि इन शब्दों पर आत्ममंथन करें और जयंती और जायते दोनों शब्दों पर चिंतन मनन करें। और अच्छा यही होगा कि सच तो यह है कि रविदास जयंती, परशुराम जयंती, महाराणा प्रताप जयंती आदि शब्द भी हास्यास्पद हैं, इनकी तो जन्मतिथि है। इसलिए जन्मदिन और जयंती शब्द में बहुत अंतर है। किस शब्द का क्या अर्थ है यदि हम उसका नहीं समझेंगे तो विकृति आती ही है और समाज में भटकाव होता ही है। आवश्यकता है समाज इस सत्य को जानने का प्रयास करे कि इन शब्दों का असर क्या है। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ निष्पक्ष हृदय से, शांत मन से इस पर विचार करेंगे और सत्य को ग्रहण करते हुए असत्य को छोड़ने की दिशा में अपने कदम बढ़ाएंगे।